राजस्थान के बीकानेर ज़िले के देशनोक में स्थित है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की मान्यता रही है कि जो भी माँ करणी के दरबार में आता है और अपनी जो भी मान्यताएं उसकी होती हैं, वो जो भी इच्छा लेकर आता है, उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति माँ करणी अवश्य करती हैं। सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति की प्रार्थनाएं यहाँ अवश्य ही सुनी जाती हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहों को आश्रय मिला हुआ है और इन चूहों को करवा कहकर पुकारा जाता है। कहते हैं जब भी किसी चारण की मृत्यु होती है तो वो करवा बन जाता है और जब किसी करवे की मृत्यु होती है तो वो चारण बन जाता है। यानी इसी प्रकार से इस मंदिर में जीवन चक्र चलता रहता है और ऐसा माना जाता है कि इनमें से कोई भी यमलोक को नहीं जाता है। माँ करणी उन्हें अपने सानिध्य में ही हमेशा रखती हैं। बीकानेर में बहुत सारे पर्यटन स्थल जो हैं वो देखने के लिए जहाँ पर्यटक आते हैं, वहीं पर सबसे अधिक पर्यटक माँ करणी के दरबार में माता करणी के दर्शनों के लिए आते हैं। मन में माँ करणी के दर्शनों की अभिलाषा लेकर वे अपनी बहुत सारी मान्यताएं भी अपनी पूरी करते हैं और एक सुखद अनुभूति के साथ यहाँ से जाते हैं। माँ करणी की आरती के समय बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और यहाँ पर सफ़ेद करवे के दर्शन भी करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ भजन कीर्तन भी सुनते हैं। माता करणी के अनेक भजन कीर्तन हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोग उन्हें बड़े प्रेम से सुनते हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई इतनी सारी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर माँ करणी के प्रति मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है और उस म्यूज़ियम में माँ करणी के जीवन वृत्त को दर्शाया गया है। वास्तव में उनके जीवन वृत्त को देखकर उनका जीवन हमारी आंखों के आगे सजीव हो उठता है। उनके समस्त चमत्कारों के दर्शन हमारे नेत्र करने लगते हैं और मन में श्रद्धा का भाव उमड़ने लगता है। देशनोक में वैसे तो माँ करणी के दर्शन के लिए ही लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर समय समय पर मेला भी भरता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ बहुत चहल पहल होती है और मेले में बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जिससे बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, महिलाएं सभी बहुत खुश होते हैं और कुछ परंपरागत चीज़ें जो यहाँ मिलती हैं उन्हें वो खरीद कर भी ले जाते हैं। खासकर करणी माता के लॉकेट्स, की रिंग्स, करणी माता की तस्वीरें लोग यहाँ से अवश्य ही लेकर जाते हैं और इन सब के साथ लेकर जाते हैं वो एक मधुर स्मृति। मधुर स्मृति और साथ ही प्रार्थनाओं की एक ऐसी परंपरा जो हमेशा उन्हें आशीर्वाद देती रहती है।